जो हमने ये फ्रीज किया था वो वापस आप इस वाटर सैंपल में अपनी पोजीशन पे ऐड। इसको ऐड करने के बाद जो मैग्नस वो प्लस टू में वापस आएगा एंड दैट मच ऑफ ऑक्सीजन विच इज बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ दिस डी एक्साइटेशन दैट्स बीइंग टेकन बाय द आयोडाइड, जो अल्कली आयोडाइड हमने इसमें ऐड किया था। जितना ये तेज कलर होगा ना उससे भी आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन कितना है। इसका मिलीग्राम होगा कम से कम 7 to 8 milligrams जो मुझे पता है कलर के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर फेंट कलर होगा तो उसका उसे आपको पता चलेगा। इसका पीएच जो है चेंज करेंगे, इसमें फिर से हम इसको डिप करेंगे करीब करीब एक मिनट तक हम लोग रखते हैं ताकि ये पूरी तरीके से सेंसिटाइज हो जाए। इसके प्रिंसिपल्स आपको सर ने बताएं कि हम इसकी कन्वर्ट करने के, वो आपको भी सर ने बताएं। अभी हम इसका पीएच आप देखें 8.। ये एक्चुअली प्रोग्राम पीपल्स एनवायरमेंटल काउंसिल ने इन एसोसिएशन विद डिग्री कॉलेज बारामूला एंड हायर सेकेंडरी स्कूल अथोरा एक कैच देम यंग कैंपेन है कि स्कूल चिल्ड्रंस को कैसे हम सेंसिटाइज करें विद द एनवायरमेंटल इश्यूज। ये जो पीपल्स एनवायरमेंटल काउंसिल है उनका एक प्रोग्राम रहा कि हम कैसे स्कूल्स में जाके एनवायरमेंटल अवेयरनेस को एनवायरमेंटल अवेयरनेस करें और लोगों को खासकर स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करें अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इसके कैंपेन के हिसाब से हम पहले एक स्कूल में गए थे, आज हायर सेकेंडरी अथोरा बारामूला में हम आए। तो हमने आज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि वाटर क्वालिटी हम कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे हम वाटर क्वालिटी करते हैं, क्योंकि वाटर जो हमारा है जो प्रेशियस रिसोर्स है जिसपे के बगैर लाइफ जिंदा नहीं है। तो स्टूडेंट्स को एक दिखाना कि कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं और कैसे उनको हम एनालाइज करते हैं, और ताकि इनमें एक शौक पैदा हो जाए कि भाई किन चीज़ों से वाटर पोल्यूट होता है और किन क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, कैसे हमें वाटर को बचाना है पोल्यूशन से कैसे हमें वाटर को बचाना है। तो उसके हिसाब से हमारी ये जो एक्टिविटी आज चल रही है स्टूडेंट्स के साथ, मकसद दो चीज़ है। एक तो स्टूडेंट्स में साइंस का एक शौक हो जाए कि भाई कैसे हम एनवायरमेंटल साइंस में कैसे हम वाटर टेस्टिंग करते हैं, वाटर क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, ताकि इनमें एनवायरमेंट के रिलेटेड थोड़ा सा जो अवेयरनेस है वो जाग जाए। दूसरा एक जो हमारा एनवायरमेंटल वीक सेलिब्रेशन परसों से चल रहे थे उस कैंपेन में हमारा एनवायरमेंटल अवेयरनेस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो चल रहे थे उसके हिसाब से एक स्टूडेंट्स में एक कम से कम अवेयरनेस कैंपेन हमने स्टार्ट की थी। मेरा नाम शेख मुबारक है, मैं लेक्चरर हायर सेकेंडरी स्कूल अठोरा एनवायरमेंटल साइंस हूँ। तो आज की जो एक्टिविटी है, हम लोग एक हफ्ते से वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीक सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। तो आज का जो वीक था ये इको वॉक था अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स एंड इन कोलेबोरेशन विद पीपल्स एनवायरमेंटल काउंसिल एंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला। तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, तो हम खुद हैं, ये हमने आज बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए जो है वाटर इस जहलम का दौरा कराया। जहलम जो है आप सबको पता है कि ये लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर वैली है और यहाँ पे बच्चे सीइंग इज़ बिलीविंग। तो बच्चे जो देखते हैं कि कूड़ा करकट इसमें डल रहा है तो इसके भी इम्पैक्ट्स हैं। तो हम साइंटिफिकली देख रहे हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कितना इम्पैक्ट है हमारे इस दरियाई जहलम पे। तो इसका मकसद यही है कि एक मैसेज जाए, ये बच्चे हमारे मैसेंजर्स होते हैं, ये सब तक लोगों तक ये बात पहुँचाए और अवामुन्नास से भी ये गुजारिश करें कि ये हमारा रिसोर्स है, हमारा असासा है, हमें इस असासे की कदर करनी चाहिए। शुक्रिया।